आपके ईटो डोमेन की बुक है बच्चे, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नेम है द कीबोर्ड और पेज नंबर है बेटा 51। तो देखो बेटा ध्यान से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हाउ डू यू एंटर इंफॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर? यू नो इट वेरी वेल, इट इज अ कीबोर्ड विच हेल्प अस टू डू सो। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सम स्पेशल कीज, लेट अस नाउ लर्न अबाउट मैनी अदर कीज ऑफ द कीबोर्ड। ठीक है, तो बेटा ये हम इंफॉर्मेशन जानेंगे किसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में, है ना। तो ये हमारी कौन हेल्प करेगा, ये कीबोर्ड के बारे में हमें ये चैप्टर हेल्प करेगा बेटा। तो इसके इसमें बेटा हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, इसमें कौन कौन सी कीज होती हैं, स्पेशल कीज कौन सी हैं, है ना। तो वो बेटा हमें इस चैप्टर में से पता चलेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी कीज, देखो इधर भी आपको बताया गया, लेट्स लर्न अबाउट कौन कौन सी की है, अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, सिंबल्स कीज, स्पेशल कीज, फंक्शन कीज एंड नेविगेशन कीज। तो इस कीज के बारे में बेटा आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो वी विल स्टार्ट द चैप्टर ऑफ 5, द कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज अ यूज्ड टू टाइप। तो बेटा हम कीबोर्ड है किस लिए यूज करते हैं, हम टाइप करने के लिए। अगर हमें कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी टाइप करना है तो हम कौन से डिवाइस का यूज करेंगे, कीबोर्ड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड। तो बेटा देखो अलग अलग तरह की कीज होती हैं किसके बीच में, कीबोर्ड के बीच में। ठीक है, दीज आर अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेशल कीज, सिंबल कीज, फंक्शन कीज एंड नेविगेशन कीज। तो बेटा ये कौन कौन सी कीज है, अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेशल कीज, सिंबल कीज, फंक्शन कीज एंड अ नेविगेशन कीज। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ कीबोर्ड, द फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट कीज आर क्यू डब्ल्यू ई आर टी एंड वाई। तो बेटा देखो ये पिक्चर्स आपको दिखाई गई है, तो इसमें बेटा 6 लेटर जो स्टार्टिंग अल्फाबेट के होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है क्यू, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है बेटा आपको पिक्चर में, क्यू डब्ल्यू ई आर टी एंड वाई। तो इससे बेटा अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं हमारे। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड अ प्योरिटी कीबोर्ड। तो बेटा हमें इसलिए क्यों बोलते हैं, तो आगे हम इसके बारे में भी जानेंगे। फर्स्ट है बेटा अल्फाबेट कीज। तो बेटा अल्फाबेट कीज देखो, देयर आर 26 अल्फाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड। तो बेटा 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स के, वो कीबोर्ड के ऊपर होते हैं। एंड यू कैन टाइप बोथ इन कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड लेटर्स विद दीज कीज। तो बेटा यू कैन टाइप बोथ इन कैपिटल्स एंड स्मॉल लेटर्स दीज कीज। तो बेटा जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर टाइप करते हैं तो आप स्मॉल लेटर्स में भी टाइप कर सकते हो और कैपिटल लेटर्स में भी। किसका यूज करके, कीज का, जो कीबोर्ड के ऊपर कीज होती है हम उसका यूज करके हम स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स में हम टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा देयर आर टू वेज टू राइट लेटर्स इन कैपिटल। तो बेटा इसके टू वेज है राइट करने के लिए, कैपिटल और लेटर्स के लिए, कैपिटल लेटर्स है ना, इसके लिए टू वेज। अगर हम कैपिटल लेटर्स में लिखना तो कौन कौन सी कीज है वो टू वेज है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो यूजिंग द कैप्स लॉक की, तो बेटा कैप्स लॉक हम की यूज करते हैं उसके बारे में बताया गया है ये। टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स प्रेस द कैप्स लॉक की, नाउ टाइप योर नेम, इट विल अपीयर इन कैपिटल लेटर्स। तो बेटा अगर आपने कैपिटल लेटर्स में कुछ भी टाइप करना है तो अगर सारे लेटर्स आपको कैपिटल चाहिए तो हम कौन सी की का यूज करेंगे, कैप्स लॉक की। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर बेटा कैप्स लॉक की होती है। अगर हम ये देखो आपको दिखाती हूँ मैं, ये है बेटा कैप्स लॉक की, ये आपको दिख रहा है। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो हम जो भी लेटर्स बेटा टाइप करेंगे अल्फाबेटिकली, जो भी लेटर्स टाइप करेंगे तो वो सारे क्या होंगे बेटा, कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे, वो टाइप हो जाएंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा यूजिंग द शिफ्ट की। तो बेटा ये सेकंड वे है जो हम कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं अपने वर्ड्स को। यू कैन ऑल्सो टाइप इन कैपिटल लेटर्स बाय प्रेसिंग द शिफ्ट की। तो बेटा अगर आपने दोबारा से और कुछ भी टाइप करना है ना कैपिटल लेटर्स में, अगर आप कैप्स लॉक को यूज नहीं कर रहे तो आप शिफ्ट की को यूज करके आप जो भी कुछ भी टाइप करना चाहते हो, आप कैपिटल लेटर्स में शिफ्ट की को यूज करके आप कुछ भी टाइप कर सकते हो कैपिटल लेटर्स में। टू टाइप अ कैपिटल लेटर से वाई प्रेस शिफ्ट एंड वाई टुगेदर। तो बेटा देखो अगर आपने वाई को टाइप करना है ना कैपिटल लेटर में, तो बेटा आप शिफ्ट को यूज करोगे, शिफ्ट प्लस वाई। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे बेटा, आप वाई आपका कैपिटल लेटर्स में टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा यू हैव ऑलरेडी स्टडीज कैप्स लॉक की एंड शिफ्ट की इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास। तो बेटा कैप्स लॉक और शिफ्ट की के बारे में डिटेल्स में आपने बेटा लास्ट क्लास में आप लर्न कर चुके हो, है ना, आप रीड कर चुके हो इसके बारे में कि दीज आर टर्म्स एट द स्पेशल कीज ऑन द कीबोर्ड, है ना। तो अभी हम स्पेशल कीज के बारे में, जो कीज की स्पेशल कीज है उसके बारे में अभी हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। तो
तो फर्स्ट है बेटा देखो नंबर कीज, द नंबर की 0 to 9 एंड प्लेस्ड अबव द अल्फाबेट कीज। तो बेटा ये देखो आपके सामने कीबोर्ड के ऊपर ये नंबर कीज भी होती है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर होती है, ये अल्फाबेट कीज के ऊपर होती है 0 to 9 तक, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टू टाइप अ नंबर से 8, द नंबर 8 विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। अगर बेटा आप 8 को प्रेस करोगे तो 8 आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट देयर इज अनदर सेट ऑफ नंबर कीज ऑन द कीबोर्ड। बेटा एक और सेट भी होता है ना, अगर हमने नंबर्स टाइप करने हैं तो टू बेटा इनके क्या होते हैं, टू सेट होते हैं, ठीक है। एक तो बेटा होता है अल्फाबेट के ऊपर ये वाला सेट होता है, एक सेकंड सेट ये वाला होता है। सेकंड सेट ऑफ द नंबर कीज इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। तो बेटा कीबोर्ड के राइट साइड के ऊपर ये देखो आपको दिखाया गया है, ये क्या है बेटा, ये नंबर कीज है। दिस सेट ऑफ नंबर कीज इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कीबोर्ड। तो बेटा इस सेकंड नंबर वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कीपैड। टू टाइप नंबर यूजिंग द न्यूमेरिक कीपैड फर्स्ट प्रेस द नम लॉक की। नाउ यू कैन टाइप नंबर यूजिंग न्यूमेरिकल कीपैड। तो देखो बेटा दिस सेट ऑफ नंबर कीज इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कीबोर्ड। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमेरिकल कीपैड बोलते हैं। टू टाइप नंबर यूजिंग द न्यूमेरिकल कीपैड फर्स्ट प्रेस द नम लॉक की। अगर बेटा आपने इसको यूज करना है तो आप ये देखो नम लॉक लिखा हुआ ना, ये वाला बेटा की है, इसको हम ऑन करेंगे तभी हम नंबर्स को, हम कीपैड जो ये यूज करते हैं बेटा, तो वो जो नंबर्स है आपको शो हो जाएंगे स्क्रीन पे। इफ द नम लॉक की इज ऑफ, अगर बेटा आप इसको ऑन ऑफ कर दोगे तो यू कैन टाइप नंबर्स फ्रॉम द न्यूमेरिक कीपैड बाय प्रेसिंग द शिफ्ट की। तो बेटा आप शिफ्ट की को प्रेस करके भी आप नंबर्स टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा सिंबल कीज। तो सिंबल कीज कौन कौन सी है देखो, द कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ द सिंबल सच एज, देखो बेटा ये सिंबल्स है ना, ये सिंबल्स भी होते हैं है ना हमारे कीबोर्ड के ऊपर। तो ये कौन सा, एक्सक्लेमेशन का, एट द रेट, डॉलर साइन, एंड ये वाला है बेटा एंड का साइन है, एंड इसको एस्ट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको स्टार्स भी बोलते हैं, एंड मैनी अदर ऑन द नंबर्स की लोकेटेड ऑन द अपर हाफ ऑफ द कीबोर्ड, है ना। ये बेटा ऊपर वाली साइड होते हैं ना कीबोर्ड के ऊपर। एंड अदर सिंबल सच एज, ये है बेटा कर्ली ब्रैकेट, एंड मैनी अदर ऑन द लोअर हाफ ऑफ द कीबोर्ड। तो ये कहाँ पे होती है, ये कीबोर्ड के हाफ में होती है, नीचे वाली साइड पे, लोअर साइड पे बेटा होती है, ठीक है। फर्स्ट है बेटा देखो शिफ्ट की एंड कैप्स लॉक की। The keyboard has two shift keys on the left of the keyboard and the other on right side. तो बेटा keyboard के ऊपर two shift keys होती हैं, ठीक है? One of the left side. तो बेटा एक होती है left side के ऊपर keyboard and the other on the right side. तो बेटा दूसरी कौन सी होती है? Right side के ऊपर होती है। दो तरह की बेटा shift keys होती हैं keyboard के ऊपर। is used with other keys to type capital letters and numbers, ठीक है। The caps lock key is used to type capital letter. और बेटा जो caps lock होता है वो किस लिए यूज होता है, अगर हमने कोई भी वर्ड कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है, ठीक है। आगे है बेटा स्केप की। देखो स्केप की इज यूज टू गेट आउट ऑफ द स्केप फ्रॉम समथिंग यू आर डूइंग। तो बेटा आप बैक पे अगर escape की आप यूज करते हो, है ना, अगर आपको बैक पे जाना है तो आप एस्केप की का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा बैक स्पेस की। द बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज अ लेटर और कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टाइप्ड माउस है MOUSEE बाय मिस्टेक एंड यू वांट टू इरेज एक्स्ट्रा ई, मूव द कर्सर एट द एंड एंड प्रेस द बैक स्पेस की। तो बेटा कीपैड के ऊपर सॉरी कीबोर्ड के ऊपर एक बैक स्पेस की भी होती है, ठीक है। तो वो किस लिए यूज होती है, इज यूज टू अरेज अ लेटर्स, ठीक है। तो आप लेटर्स को बेटा उसे इरेज भी कर सकते हो और करेक्टेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, अगर आपका कर्सर लेफ्ट साइड के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ यू हैव टाइप्ड, अगर बेटा आपने देखो माउस लिखा है ना, तो MOUSEE लिखा ना, तो इसमें ये जो ई है बेटा एक्स्ट्रा है, अगर आपने इसको बेटा इरेज करना तो आप कैसे करोगे, तो एंड यू वॉन्ट टू अरेज द एक्स्ट्रा ई, मूव द कर्सर एट द एंड, जो बेटा कर्सर होता है उसको आप एंड पे ले जाओगे एंड प्रेस द बैक स्पेस की। तो आप बैक स्पेस की को प्रेस करोगे और ये जो एक्स्ट्रा ई है बेटा ये इरेज हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा डिलीट की। द डिलीट की इज यूज टू इरेज अ लेटर ऑफ कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। टू यूज द डिलीट की टू इरेज द एक्स्ट्रा ई इन द वर्ड माउस, मूव द कर्सर बिफोर द लास्ट ई एंड प्रेस द डिलीट की।
तो बेटा डिलीट की भी बैक स्पेस की तरह ही होती है, अगर आपने कुछ भी है ना आपने राइट की है ना, तो अगर आपने से बाय मिस्टेक या जैसे ये एक्स्ट्रा ई आ गई थी अगर आपने उसको इरेज करना है तो आप डिलीट की भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा टैब की, द टैब की मेक्स द कर्सर मूव 5 स्पेसेस फॉरवर्ड। जो बेटा टैब की है, अगर हमने टैब की है वो किस लिए यूज होते हैं, वो भी स्पेसेस के लिए, तो बेटा ये जो टैब की अगर हम इसको टैब की को बेटा हम ऑन करते हैं तो हम उसके बाद उसके 5 स्पेसेस उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमें उसमें से 5 स्पेसेस मिल जाते हैं किसी भी वर्ड के बीच में। नेक्स्ट है बेटा फंक्शंस की, देखो फंक्शंस की कौन सी होती है, द कीज लोकेटेड ऑन द टॉप मोस्ट रो ऑन विच F1 F2 F3 आर रिटन आर कॉल्ड फंक्शंस कीज। तो बेटा देखो कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर ये वाली देखो कीज भी होती है, इनको फंक्शंस कीज बोलते हैं। देखो F1 F2 F3 एक्सेट्रा, देखो F4 F5 काफी सारी कीज है बेटा, ठीक है। तो दीज कीज परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, बेटा स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज होती हैं। यू विल लर्न अबाउट देम इन हायर क्लासेस, तो इसके बारे में बेटा आप जब हायर क्लासेस में बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो आपको बेटा इन कीज के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा नेविगेशन कीज, तो नेविगेशन कीज कौन सी होती है, देखो देयर आर सर्टेन कीज दैट आर यूज्ड टू गाइड एंड कर्सर व्हाइल टाइपिंग, दे आर कॉल्ड नेविगेशन कीज। तो बेटा नेविगेशन कीज वो होती है जो हमारे देयर आर सर्टेन कीज दैट आर यूज्ड टू गाइड द कर्सर व्हाइल टाइपिंग। तो बेटा जब हमने कुछ भी टाइप करना होता है ना, तो लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ भी टाइप करना, तो वो उस टाइम हम कौन सी कीज का यूज करते हैं, नेविगेशन कीज का यूज करते हैं। दीज आर प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो बेटा ये कहाँ पे होती है नेविगेशन कीज, ये नेविगेशन कीज बेटा हमें अपने कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल की पैड के ऊपर लेफ्ट साइड में होती है बेटा। ये देखो सबसे पहले है एरो कीज, एरो कीज आर यूज टू मूव द कर्सर इन डिफरेंट डायरेक्शन सच एज लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ये देखो बेटा आपको दिखाया गया, अगर आपने अपने एरो को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, राइट पे है ना, अप पे डाउन पे, तो बेटा हम ये इन कीज का यूज कर सकते हैं। तो आगे देखो, आगे है बेटा पेज अप की, तो पेज अप की कौन सा होता है, दिस की मूव्स द कर्सर टू प्रीवियस पेज। अगर बेटा हमने पिछले पेज पे जाना, अगर हम कोई नेक्स्ट पेज पे काम कर रहे हैं तो प्रीवियस पेज पे जाना, तो हम कौन सी की का यूज करेंगे, पेज अप की का। नेक्स्ट है बेटा पेज डाउन की, तो ये कौन सी है, दिस की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट पेज। अगर बेटा हमने कर्सर को नेक्स्ट पेज पे लेके जाना तो हम कौन सी की का यूज करेंगे, पेज डाउन पेज अप की सॉरी, प्रीवियस पेज पे जाना तो हम कौन सी की का यूज करेंगे, पेज अप की। नेक्स्ट है बेटा पेज डाउन की, दिस की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट पेज। अगर हमने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो हम कौन सी की का यूज करेंगे, पेज डाउन की। नेक्स्ट है बेटा होम की, तो होम की कौन सी होती है बेटा, दिस की मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अगर हमने कोई भी बेटा हम सेंटेंस बना चुके, अगर हमें लाइन के उसके फर्स्ट पे बिगिनिंग पे जाना है तो हम कौन सी की का यूज करेंगे, होम की। नेक्स्ट है बेटा एंड की, दिस की मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। अगर हमें लाइन के एंड पे जाना तो हम कौन सी की का यूज करेंगे, एंड की। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी आज की स्पेशल कीज थी जो हमने कीबोर्ड के बारे में आज जाना, इसमें कौन कौन सी स्पेशल कीज हैं, ठीक है, कौन कौन सी है बेटा, ये आपने फिर से दोबारा से बता देते हैं, अल्फाबेट कीज होती है, नंबर्स कीज होती है, स्पेशल कीज, ठीक है, सिंबल्स कीज, फंक्शंस कीज एंड नेविगेशन कीज, ये कीज होती है बेटा। हम साथ में अभी इसके बुक वर्क भी करेंगे, देखो ध्यान से स्क्रीन पे। तो देखो बेटा ये कौन कौन सी हैं एक्सरसाइज, दीज कीज आर यूज टू टाइप 1 2 3 4 5। अगर हमें बेटा ये टाइप करना है, ठीक है, तो हम कौन सी